हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो है मुहावरे लोको कितियों के शिक्षण में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इसमें बताना है कि आपके लिए कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मुहावरे कितियों का वाक्यों में प्रयोग करना अधिक से अधिक मुहावरे कितियों के प्रयोग से भाषा को सौंदर्यपूर्ण बनाना संदर्भानुसार मुहावरे लोकोकृतियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना और क्या है मुहारे लोकोक्तियों के अर्थ समझने का प्रयास करना तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो है थ्री नंबर क्योंकि संदर्भ अनुसार हम मुहारे लोकोक्तियों को प्रयोग करेंगे उसको समझेंगे और उनको प्रयोग करेंगे ये सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है अगले क्वेश्चन चलते अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सीखने के विषय में सही है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कार्य कारकों के कारकों से प्रभावित नहीं होता है सीखना मूल रूप से मासिक क्रिया है और बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत आ, करती हैं कि किसी भी करती हैं कि किसी भी तरह से सीखना नहीं हुआ है तो इसमें जो सही आंसर जो बता रहा है वो है वन नंबर सीखना उस वातावरण में, में प्रभावी होता है यानी सीखना उसी वातावरण में प्रभावी होता है जहाँ संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो जो क्या हो संवेगात्मक रूप से क्या हो सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करे यानी जिससे बच्चे क्या हो सके संतुष्ट करें तो वही वातावरण प्रभावी होता है यही सबसे इम्पोर्टेंट है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन नंबर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन है विकास के सहयोग विकास में भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है गलत पूछा जा रहा है तो बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना उसके प, उसके प्रयोगों का समर्थन करना भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना तो इसमें गौर से देखेंगे कि इसमें जो है दो नंबर में बोला जाता है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग का अमान्य करना अमान्य करना आ गया तो ये बात क्या है गलत है इसका सही आंसर टू नंबर है तो और वन नंबर वन ऑप्शन देख लेंगे बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर ये भी ये बात सही है बिल्कुल कि बच्चे को बिना टोके उसके प्रकरण पर बात करने देंगे जिससे बच्चा क्या होगा बहुत ही सुविधाजनक से अपनी बात को कह सकेगा तीसरे नंबर में बात कहा जा रहा है कि उसके प्रयोग का समर्थन करें यानी कोई भी चीज़ वो प्रयोग करेगा तो उसके प्रयोग को हमें क्या करना समर्थन करना है और भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना और बच्चे को उसके भाषा के प्रयोग करने का उसे अवसर उपलब्ध कराना तो ये बात भी सही है तो इसमें गलत पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर टू नंबर है अगले क्वेश्चन पर चलते अगला क्वेश्चन है भाषा का आरम्भ किससे होता है तो हम सभी को बताया कि भाषा का आरम्भ क्या है कहाँ से होता है ध्वनि से होता है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ पूछा जा रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है सभी विषयों का मूल्यांकन सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन शैक्षिक एवं सह से... शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन तो हम लोगों को बताया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होल उस चीज का उसका मूल्यांकन होता है जिस पढ़ाई रिलेटेड और अदर एक्टिविटीज जो भी होती है उसमें अदर गुण जो भी है उन सारी चीज़ों का मूल्यांकन होता है इसका अर्थ यही है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन अगले क्वेश्चन पे चलते अगला क्वेश्चन है अच्छा फोर्टी सिक्स नंबर हो चुका है अगला क्वेश्चन जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसका अर्थ यही है थ्री नंबर अगले क्वेश्चन पे चलते अगला क्वेश्चन है जो वो है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रीना उसे सीखने में ज़्यादा समय ले लेती है इस विकास के खाली जगह को दर्शाता है यानी यह विकास जो है किसको दर्शाता है जबकि एक लड़की है सीमा जो कोई पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है लेकिन रीना जो है उसमें ज़्यादा समय लेती है तो यह जो है विकास व्यक्तिक भिन्नता को दिखाता है क्योंकि हर एक बच्चे की सीखने की अपनी अपनी गति होती है अगले नंबर पर चलते है अगला नंबर जो हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र के अभिव्यक्ति परखने के लिए आप निम्न में से किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं तो आपको बताना है कि किस प्रश्न को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं लोकगीत संस्कृत संस्कृति के परिचायक होते हैं इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए आँखों पर, पर पर्दा पड़ना मुहावरों मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए सेना ने वीरता के साथ युद्ध किया इस वाक्य को कर्मवाचक में बदलिए और कमल तथा सूर्य के तीन तीन प्रयावाचिक शब्द देखे तो यहाँ पे गौर से देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर फोर है कमल एवं सूर्य के तीन तीन प्रयावाचिक तो इसमें तो बच्चे का दिमाग ज़्यादा यूज प्रयोग नहीं करेगा बच्चे अपने दिमाग का तो ये नहीं होगा तीसरा नंबर जो सेना ने वीरता के साथ युद्ध किया इस वाक्य को कर्मवाच में तो ये भी एक छोटा सा इसका आंसर होगा कर्मवाच में प्रयोग करना तो ये भी नहीं होगा इसमें बच्चे का दिमाग ज़्यादा यूज नहीं होगा आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे को ये भी इसमें भी ज़्यादा बच्चा एक्टिव नहीं होगा तो हम उस चीज़ को देखेंगे जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव है तो उसका सही आंसर जो है वो वन नंबर होगा लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते इस कथन को अपने विचार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए तो इसमें बच्चा क्या होगा जो अपने इस पर अपना विचार व्यक्त करा कर करेगा तो इसमें बच्चा क्या हो जाएगा बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगा उसका दिमाग का ज्यादा यूज होगा तो यही सबसे बेस्ट है सबसे महत्वपूर्ण है तो इसका आंसर वन नंबर हो जाएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है कि शिक्षक की बात करें किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण कराना और परीक्षा का आयोजन करना तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो लग रहा है वो टू नंबर यानी भाषा प्रयोग के अधिक अवसर करना हमें शिक्षक को क्या करना चाहिए कि बच्चों को अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है यही है तो इसका आंसर हो जाएगा टू नंबर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग